18 तारीख है, सुबह के 7:45 हो रहे हैं और अभी निकलना है शूट पे। फर्स्ट शूट होगा मेरा, एक भजन सॉन्ग ही है तो उसकी शूटिंग है। तो पहली मतलब कि पहला शूट है मेरा, तो अभी वो उसके लिए तो जाना है। बट मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपना ब्लॉग बना लूँ एक आपके लिए, तो वहाँ पे जाके मुझे, वैसे भी मैं बहुत दिन से सोच रहा था वहाँ जाऊँ, मैं भी एक ब्लॉग बनाऊँ, तो चलो अपना भी हो जाए। तो आज की जो शूटिंग है हमारी, हमारा डे फर्स्ट है आज, और आज हम अपना जो नया सॉन्ग आ रहा है महामाया भजन है डोगरी, उसकी जो शूटिंग है उसके लिए हम जा रहे हैं महामाया टेम्पल, और आज वहीं लेके चलेंगे हम आपको। पहले हम वहाँ करेंगे शूट, और शूट के बाद हम देखेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर वहाँ पे सारा शूट हो जाता है तो बेटर रहेगा, अगर नहीं होता तो फिर हम लोकेशन चेंज करेंगे। तो अभी हम बस महामाया टेम्पल पहुँचने वाले हैं, और ये रहा सामने टेम्पल, अभी हम यहाँ पहुँचने वाले हैं और फिर हम यहाँ पे करेंगे शूटिंग, और शूटिंग पे मज़ा आएगा, बिहाइंड द सीन देखेंगे आप अभी। तो ये कुछ इस तरह से इसका व्यू है यहाँ से। चलो फिर थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से नीचे रिवर दिख रही है ये तभी अपनी जम्मू की, तो अभी तो काफ़ी सूख चुकी है, बट चलो ठीक है, अभी चलते हैं हम शूटिंग पे। तो अभी हमारा जो सीन है इसमें, तो उसमें नारियल का मेन रोल है, तो हम यहाँ से नारियल भी लेंगे क्योंकि नारियल मेन है इसमें। तो चलिए, तो गाइस आए हैं अभी हम माया मंदिर में, थोड़ा सा काम है इधर हमारा, बंदर खाती है इधर। तो अब होगा फाइनल शूटिंग का काम शुरू, अभी हम मंदिर के अंदर है और मैं यहाँ से मेन मेन क्लिप्स अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर हम पूरा इसको रिकॉर्ड करेंगे एक अच्छे से वीडियो में। तो अभी इंडोर का हो चुका है शूट, अभी हम थोड़ा बाहर शूट करेंगे। तो चलिए अभी वहाँ मैं गेट के पास थोड़ा सा एंट्री का सीन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक सीन बनाएंगे हम, और लेट्स सी कि वो एडिटिंग के टाइम कैसा बैठेगा वो तो उसके टाइम पता चलेगा, कि अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बनाए हैं बहुत। तो चलिए अब बैक साइड चलते हैं, यहाँ पे भी कुछ शूट किया जाए क्योंकि काफ़ी खुली जगह है यहाँ पे और लाइट भी ठीक ठाक है। तो चलो यार थोड़ा शूट किया जाए, अभी बहुत शूट है, तो पहला प्रोजेक्ट है मेरा, तो थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा मेरे को, तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें कर रहा था। माइक तो उस टाइम जो माइक था वो ऑफ था, और क्योंकि मेरे जो कैमरा मैन थे, क्योंकि इसके 3 दिन की शूटिंग हुई है इसमें, और तीनों बार जो मेरा कैमरा मैन था बिहाइंड द सीन के लिए, वो तीनों बार अलग था, तो अलग अलग सब हो जाता है। तो अभी थोड़ा मैं बाहर से शूट ले रहा था, और बाहर भी कमाल का व्यू है, वो आपको दूसरे कैमरा से दिखाता हूँ, और चलो दिखा रहा हूँ आपको व्यू। तो ये मैंने पूरा जूम किया हुआ है इसको, और सामने की तरफ अपना जम्मू शहर, और नीचे ये तभी, और ये सारा जूम आउट करके। तो चलिए काफ़ी शूट हमने यहाँ पे कर लिया, बट अभी भी मुझे कुछ कमी लग रही है, तो कर रहे हैं कुछ। अभी सेट कर रहा हूँ मैं अपना कैमरा ट्राइपॉड पे, और फिर देखते हैं। तो अभी मैं कुछ सीन्स बनाने की कोशिश कर रहा था, तो इस तरह से हमारा शूट चल रहा था। मैं पहले तो मैं लोकेशन डिसाइड करता हूँ कि कहाँ पे मुझे शूट करना है, कहाँ पे नहीं, कहाँ से फ्रेम अच्छा आ रहा है, कहाँ पे नहीं, इस तरह से शूट होता है। पर यूजली बहुत से लोग ऐसे ही कर देते हैं, हम टाइम पास नहीं करते, हमें अपना बेस्ट देना है, मुझे मेरा बेस्ट देना है। अगर मैं बेस्ट दूंगा मेरा, तो लोगों को मेरी तारीफ करने का मौका मिलेगा, एंड दैट्स व्हाट वी वांट, तारीफ का भूखा होता है इंसान। डे 2, बेसिकली इट्स डे 2 ऑफ आवर शूट, संडे, और टाइम 7:20 हो चुके हैं, पूरा रेडी हो चुके हैं। अभी सेटअप अपना सारा इधर निकलेंगे थोड़ी देर में यहाँ से, और आज जो लोकेशन पे जाएंगे वो आपको दिखाऊंगा, तो जुड़े रहना देखने के लिए मेकिंग ऑफ या फिर बिहाइंड द सीन। सो इट्स डे 2, और आज हम जाने वाले हैं, कहाँ जा रहे थे हम, मैं भूल गया, हम जा रहे हैं आज कंडोली मंदिर और नगरोटा में, आज फिर उसके बाद हमने जाना है
कौन सी थी, चंडी माता के मंदिर, मचेल नहीं जा रहे हैं, जगटी के पास है एक, वहाँ जाएंगे। तो चलिए अभी हम सिदरा पहुँच चुके हैं हाईवे पे, और हाईवे कूल लग रहा है एकदम, सुबह का वक्त है ये, और सुबह सुबह ले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे का। तो चलिए सामने से शिव जी का ही मंदिर है, तो अभी चला जाए आगे, और काफ़ी अच्छा व्यू मुझे मिल रहा है अभी, क्लाउड्स भी हैं थोड़े थोड़े क्योंकि सुबह का टाइम है, सो इट्स ऑल गुड, सो लेट्स डू इट। तो अभी सिदरा ब्रिज, तभी ब्रिज जो आ चुका है इस पे हैं हम, और मुझे ब्रिज से जाना बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट्स हाउ द लाइफ गोज ऑन। तो अभी चलते हैं धीरे धीरे, अभी आगे से मैं आपको और भी बहुत सी अमेजिंग चीज़ें दिखाने वाला हूँ, वीडियो बहुत लंबी होने वाली है बट फिर भी शॉर्ट करेंगे। तो अभी नगरोड़ा के करीब करीब पहुँचने वाले हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जैम है आज, क्योंकि सुबह सुबह कुछ जिस जब का ये शूट था तब तो कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उस वजह से रोड थोड़ा बंद था। तो अभी हम नगरोड़ा की तरफ चले जाएंगे, बट आगे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आगे आर्मी एरिया, तो बहुत बार मैंने दिखाया भी है बट अब नहीं। चलिए सीधा जंप मारते हैं अगली फुटेज पे। तो बस अभी हम नगरोड़ा कंडोली मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, और फिर उसके बाद हमारी होगी वहाँ पे शूटिंग, और शूटिंग में जो भी होगा वो आपको तो दिखेगा यहाँ पे। तो कमाल का होने वाला ये शूट, क्योंकि काफ़ी लंबा शूट चल रहा है ये वाला हमारा, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो शूट है मेरा अभी तक का, वैसे तो फर्स्ट ही है बट इसके बाद ये डबिंग कर रहा हूँ जो मैं, इससे पहले मैंने 3 शूट और भी कर चुका हूँ। इसके बाद हम तो मंदिर, और ये एंट्रेंस अभी प्रसाद प्रसूद ले रहे हैं, उसके बाद चलते हैं अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ, और अंदर हम करेंगे शूट, सबके लिए पॉसिबल नहीं होता बट हम VVIP बंदे हैं यार, हमारा सब चलता है, नाम चले हमारा, काम चले। तो चलिए माता जी की कृपा है हम पे, हो जाते हैं सब काम। तो अभी अंदर पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे हम कुछ लोकेशन डिसाइड करेंगे, कुछ सीन्स यहाँ सेट करेंगे और शूट करेंगे हम। तो अभी यहाँ पे थोड़ा रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद हम थोड़ा सा शूट लेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत कम है, और मैं अपने साथ लाइट्स ज़्यादा कैरी नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, और नॉर्मल सॉन्ग शूट के लिए मुझे नहीं लगता है इतनी सारी एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए यहाँ पर शूट करते हैं, और बहुत कम लाइट है बट एक लाइट तो आई थिंक मुझे रखनी चाहिए साथ में, आगे से वह रखेंगे हम। तो अभी यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, और लाइट एडजस्ट करनी पड़ती है मुझे यहाँ पे, और अच्छी बात है सीखने को भी मिलता है हर चीज़ से। अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, थोड़ा सा बाहर जाके शूट करते हैं, बाहर लाइट अच्छी है, और अभी हम बाहर हैं थोड़ा टेंपल के, बट दूसरी साइड हम जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे आर्मी एरिया इस तरफ, तो वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम यहीं पे शूट करेंगे हमारा जो है, तो मैं यहाँ पे फ्रेम बना रहा हूँ, तो कोरस के लिए कुछ करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि कोरस का अभी हमने किया नहीं है, तो कोरस शूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आई थिंक नहीं हो पाएगा वो, बट मैं कुछ और फ्रेम्स यहाँ पे बना रहा हूँ जो आप फाइनल सॉन्ग में देखोगे, देख लिया होगा आपने तब तक, तो काफ़ी अच्छे वो शॉर्ट्स मैंने डाले थे इसमें, अरेंज करके बहुत कुछ सोच समझ के करना पड़ता है क्योंकि 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को, तो आई नो कि कहाँ पे क्या एडजस्ट करना है। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट्स ले रहा हूँ जो कि काम आएंगे मेरे को आगे भी कभी भी, तो इस वीडियो में तो जी आ ही रहे हैं, आएंगे, आ चुके हैं। तो चलिए चलते हैं कहीं और वहाँ पे हम अपनी लोकेशन बनाते हैं, वहाँ पे हम करते हैं शूट। एक्चुअली हमें करना है एक झूले का शूट है, जो वो हमें शूट करना है, तो झूले का सीन शूट करना है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक झूला, पीछे तो बड़ा झूला था बट वहाँ आर्मी एरिया था, तो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी एक झूला है बट हमें झूले के साथ एक छोटी सी लड़की भी चाहिए, और उसका शूट चाहिए हमें, बट यहाँ पे सुबह सुबह नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सो वी डिसाइड की पार्क
तो चलिए अभी थोड़ा सा मैं आपको मंदिर से भी थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये एक कुआँ है यहाँ पे, तो चलो दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा अंदर जाके, साइड से दिखाऊंगा, कैमरे का रिस्क नहीं लेना चाहता मैं अभी। तो गाइस अभी जा रहे हैं हम यहाँ से, तो अभी जा रहे हैं हम कौन सा मंदिर बोले तो मैंने आपको, चंडी माता का मंदिर जो कि चकटी के करीब करीब है। मचेल वाले नहीं जाएंगे, मचेल वाले भी जाएंगे हम, उसकी टेंशन मत लीजिए आप, बट फिलहाल हम वहीं जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। ट्रक काफ़ी है यहाँ पे, जाम लगा हुआ है और थोड़ा सा रिस्क हो जाता है इसमें, और बढ़िया चल रहा है सब कुछ, शूट एकदम मस्त हो रहा है। लेट्स सी कि इस लोकेशन पे हमें कैसा व्यू मिलता है और क्या होता है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं चंडी माता के मंदिर के करीब और चल रहे हैं यहाँ पे, और फिर आपको हम यहाँ पे शूट का बिहाइंड द सीन दिखाने वाले हैं जो कि मज़ेदार होने वाला है। और यहाँ पे कुछ बकरे वालों ने झुग्गियाँ बना ली हैं, वैसे इनको कोई पूछता नहीं और लोकल को तो भाई छोड़ते नहीं है, कुछ गलत होता है ना, ये तो गलत बात है, घर का बेदी लंका डाए वाली बात हो जाती है ये। चलिए हमें जो कहना था हम कह चुके, अभी हम चलते हैं नीचे 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 और बस पहुँचने वाले हैं। और आई थिंक थोड़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इस सब मैंने मंदिर है यहाँ पे हम शूट करेंगे, पहले परमिशन एज ऑलवेज जो कि मिल भी जाती है तो अच्छी बात है हमारे लिए वो। चलिए तो हमें यहाँ पे पहले मैं बाहर से थोड़ा एक सीन ले लेता हूँ, तो उसके बाद हम अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं चंडी माता के मंदिर जगती में और यहाँ पे शूट चल रहा है। हाँ जी चलो फिर, ये पार्टी हो गई है तो हाँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे कोरस शूट करना है, बट कोरस के लिए देख रहे हो आप, खुद देख रहे हो मिस्टेक्स काफ़ी हो रही हैं, सो आई थिंक ये नहीं हो पाएगा, रीटेक लेते हैं। फिर भी नहीं हो पाया, आई थिंक ये कोरस नहीं हो पाएगा, वी नीड सम प्रोफेशनल आर्टिस्ट, बट इट्स ओके, हम कोर्स की जगह कुछ और करेंगे। आशीर्वाद लेते हैं यहाँ से माता का और चलते हैं हम यहाँ से। और बाहर मैंने बहुत सारे शूट किए और वो आपको वीडियो में देखने को भी मिले हैं, बट अभी मैं पूरी इतनी वीडियो में वो सारे सीन्स नहीं डालूंगा, साथ में कुछ सीन्स डिलीट भी हो चुके हैं क्योंकि मैंने उसके बाद तीन और शूट किए और स्टोरेज का थोड़ा सा कमी पड़ रही थी, तो हो गया, क्योंकि मेन सॉन्ग में तो सब कुछ है। अभी निकलने लगे यहाँ से, डे 3 फाइनल शूट होगा और अभी हम हैं हर की पौड़ी और यहाँ पे हमारा शूट चल रहा है। वैसे जहाँ भी हम परमिशन लेके ही आए हैं, तो सबको मिलती नहीं है, बहुत मुश्किल से परमिशन मिलती है हमें, तो मिल गई। और ये यहाँ एक शिव जी का टेम्पल है अंदर, काफ़ी अच्छा है, मैं इसका अच्छा सा शॉट ले रहा था एक, तो चलिए अभी एज ऑलवेज जैसा मैंने पहले आपको बताया कि माइक कैमरा का ऑफ था, तो ऑब्वियसली बात है कि जो मैंने वहाँ पे वार्तालाप किया वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो कि काफ़ी मज़ेदार होता अगर ऑन होता माइक तो, बट क्या करें हमारे कैमरा मैन जो अलग होते हैं रखे हुए, वो किसी काम नहीं आते कभी कभार, तो मेन मेन सीन भी रह जाते हैं कभी कभार, ऐसा वो हो जाता है। अभी मुझे लगता है मुझे खुद ही बिहाइंड द सीन ही खुद भी मैनेज करना पड़ेगा कुछ चीज़ें। तो अभी घंटी का शूट ले रहा हूँ और घंटा है, वैसे ये घंटी नहीं है बड़ा सा, तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ। और मेन हमारे जो सारे सीन्स हैं ना जो मोस्टली हमने यूज़ किया वो यहाँ पे भी शूट हुए हैं, और क्योंकि मोस्ट जो मैंने वीडियो में एडिट करके डाले हुए हैं जो मेन वीडियो में है वो सीन यहाँ पे और एक बाबे में, ज़्यादातर इन्हीं दो जगह के सीन्स जो मैंने डाले हुए हैं, और बाकी सब जगह के मैंने कुछ कुछ सीन्स सब जगह डाले हुए हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे शूट और कमाल का शूट हो रहा था यहाँ पे, और यहाँ पे लाइट भी अच्छी थी, प्रॉपर सब कुछ आ रहा था और मज़ा आया यहाँ पे शूट करके हमको। ऑलरेडी वीडियो आउट हो चुकी है, ऑफिशियल वीडियो जो मैंने बनाई थी वो, सॉन्ग जो था भजन था वो आउट हो चुका है, रिलीज़ हो चुका है, और ये हमारा वही बिहाइंड द सीन है जो हम बना रहे हैं कि हम कैसे बनाई थी हमने वीडियो, तो प्रोफेशनल कैमरामैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो
मैं अच्छे से डायरेक्ट कर रहा था वीडियो को, अच्छे से कोई कमी नहीं आने देता हूँ मैं वीडियो में। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसी टाइम उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे मैं ऐसे काम करता ही नहीं जिसमें मुझे मैनेज करना पड़े कुछ भी। तो लेट्स डू इट, और कोऑपरेट हमें लोग भी काफ़ी कर रहे थे, जो कि उनको पता था कि शूट चल रहा है तो थोड़ा साइड साइड से आ रहे थे, वरना कुछ लोग तो निकल आते हैं बीच में से। तो लोगों की मतलब कि काफ़ी ज़्यादा हमें मिला है लोगों की तरफ से कोऑपरेट। तो यहाँ पे भी हमने काफ़ी सीन शूट किए हैं, कुछ इंडोर शूट कर रहे हैं हम, और आउटडोर भी काफ़ी सीन शूट किए थे, बट आउटडोर वाले जो हैं वो अगर मैं इसमें डाल दूँगा तो फिर उसमें आपको कैसे मज़ा आएगा। तो कुछ कुछ सीन हैं जो मैं इसमें नहीं डाल रहा, वो आपको ओरिजिनल वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमारा शूट हो चुका है कम्प्लीट, अभी बावे चलते हैं, वहाँ से एक शॉट लेंगे, उसके बाद इसकी एडिटिंग होगी, उसके बाद गाना आएगा। बट आप देख चुके होंगे जब तक, तो ये बिहाइंड द सीन हाउ वी मेक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बावे में, और बावे कर रहे हैं हम सीन शूट अपना। तो काफ़ी अच्छा है नज़ारे हैं यहाँ पे। तो हमारे से पहले भी एक दो दिन पहले यहाँ पे कोई एक सॉन्ग ऑलरेडी शूट हो चुका था, बट उनका बहुत गंदा था, हमारा बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि एक्सपीरियंस भी कुछ मैटर करता है ना। तो चलिए, यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं अभी, और मैंने हर से आपको पहले कहा लोगों का हमें भरपूर कोऑपरेट मिला है, किस तरह से आप देख रहे हो कि साइड से निकल रहे हैं, हम भी थोड़ा मैनेज कर रहे हैं कि प्लीज़ प्लीज़ साइड से जाइए। कुछ लोग आ जाते हैं बट थोड़ा समझ जाते हैं बाद में, बट थैंकफुली जो मेन वीडियो थी उसमें कोई भी नहीं आया था, क्योंकि मेरा कैमरा का जो फ्रेम बना के रखा था उसमें सीढ़ियाँ नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से वो हमें बेनिफिशियल हुआ, क्योंकि वरना हमें रीटेक लेना पड़ता, और रीटेक लेता हूँ मैं, बट कहीं कहीं नहीं हो पाता है रीटेक करना, क्योंकि जो हमें उस वक्त मिल रहा होता है सीन वो बेस्ट होता है। अभी बैटरी चेंज कर रहा हूँ मैं, तो एक्स्ट्रा बैटरीज रखता हूँ मैं, अभी फ़ोन से थोड़ा एंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लाइट काफ़ी ज़्यादा है, तो कैमरा से भी नहीं बढ़ रहा और फ़ोन से भी नहीं बढ़ रहा, तो इसलिए ये रिजेक्ट। तो अभी एक और लोकेशन हम देखते हैं, ये हमारी लास्ट लोकेशन होने वाली है, इसके बाद पैकअप होगा हमारा। तो चलिए अब देखते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, 4 दिन की शूट कर ली हमने, तो काफ़ी ज़्यादा था। तो अभी यहाँ पे मैं शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन रहा था, पर धूप काफ़ी थी, पर थोड़ा पीछे जाके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बन जाए अच्छा फ्रेम। और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं, कुछ मंकी यहाँ पे नहाते हुए, क्योंकि गर्मी काफ़ी है तो सबको नहाने का मन करता है, हम भी नहा लेते हैं कभी कभार, क्योंकि गर्मी हमें भी बहुत लगती है, और ये डबिंग करते हुए गाड़ी में बैठ के मेरे भी पसीने ही छूट रहे हैं। तो अभी कुछ और सीन देख रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ मिल रहे हैं कुछ, क्योंकि कुछ रनिंग शॉट चाहिए मुझे चलते हुए, तो वो भी हम यहाँ पे अभी शूट कर लेंगे, और उसके बाद पैकअप हमारा फाइनल हो जाएगा। तो अभी दिखाता हूँ आपको फाइनल रिजल्ट। ये था हमारे फर्स्ट प्रोजेक्ट महामाया डोगरी सॉन्ग जो हमने बनाया था भजन, उसका बिहाइंड द सीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि आरटीआर प्रोडक्शन इज द बेस्ट प्रोडक्शन एवर, ठीक है ना। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना, और भी बहुत सारी वीडियोज हैं हमारी और वो भी आएंगी।